नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शहर इटावा भरथना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीती देर रात ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत का मामला सामने आया है आया था जिसमें मृतक के परिजनों ने 7 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उक्त घटना के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया था कि उनके 22 वर्षीय पुत्र सलीम खान को रेलवे फाटक के पास 7 नामजद दबंगों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के बाद रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था, जिसके कारण सलीम की तेज रफ्तार ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। उक्त घटनाक्रम के संबंध में मंगलवार की सुबह एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है मृतक युवक अचानक रेलवे फाटक से दौड़कर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और इतने में ही तेज रफ्तार ट्रेन आती है, जिसकी चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं पुलिस द्वारा जाँच होने पर पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक की जमकर मारपीट की थी, जिससे मृतक ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। वहीं आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 11 दिसंबर 2022 को रात में एक सूचना मिली कि सलीम उर्फ छोटू नामक एक लगभग 35 वर्षीय युवक शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया है और उसके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जीआरपी द्वारा की जा रही है। इसके बाद एक आरोप लगा कि इसके साथ मारपीट की गई थी, जिस पर लोकल थाना भरथना की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और एसपी ग्रामीण मौके पर गए तो तथ्य पाया गया कि सलीम उर्फ छोटू ये सतीश की दुकान पर गया था। सतीश की परचून की दुकान है जहां पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ। सतीश और उसके परिवारीजन तथा कुछ अन्य लोगों ने सलीम उर्फ छोटू के साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद जैसा बताया जाता है कि इसको पकड़कर हम चौकी के लिए ले जा रहे थे, ये छुड़ा के भागा और शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। परिवारीजनों ने जो तहरीर दिया उसके हिसाब से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग धारा 147, 323 और 306 आईपीसी का पंजीकृत हुआ है। उल्लेखनीय है कि सलीम उर्फ छोटू के भाई शेर खां की तरफ से यह अभियोग पंजीकृत कराया गया है। तहरीर लेखक अभिषेक तिवारी हैं, जो कस्बा भरथना के रहने वाले हैं। इस प्रकार पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्रवाई अन्य होनी थी वो कल पूरी हो गई है, इसमें कोई विशेष बात प्रकाश में नहीं आया है। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई इसमें वैधानिक होगी वो कराई जा रही है।